विषय एक अच्छा विषय जो दलित समाज को न्याय देने का विषय, दलितों पर अन्याय नहीं होना चाहिए इसके लिए संघर्ष करने का विषय, गरीब लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए इसके लिए संघर्ष करने की भूमिका, और अपने समाज ने बायकॉट डालने के बावजूद भी गरीबों के लिए दलितों के लिए हमेशा संघर्ष की भूमिका लेने वाले चौहान जी के जीवन पर आधारित ये किताब भी मतलब हमारे साहिब जी ने इसका बहुत बड़ा कष्ट करके किताब लिखी है, इस पर फिल्म भी बनी है, तो बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ मेरे उपस्थिति में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी एनडीए में मेंबर है, अभी देखते 2019 में क्या होता है, मतलब अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं भी मंत्री बनूंगा। सबसे बड़ी बात तो मैं मंत्री बनूंगा तो ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही मैं मंत्री बनूंगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोटोग्राफर और ये जो प्रिंट मीडिया वालों का अगर हमको सपोर्ट रहेगा तो जरूर 2019 की मैच हम जीतेंगे। जिस तरह मतलब लोगों को लग रहा है कि इंडिया दो बार मैच हारा इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन तीसरी मैच इंडिया ने जीत ली है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हारेंगे हारेंगे सब अपोजिशन इकट आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले कितना भी इकट आए लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी डबल सेंचुरी मारने वाले कैप्टन हैं और मैं सेंचुरी मारने वाला मैं खिलाड़ी हूँ, इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी 200 रन निकालेंगे मैं 100 रन निकालता हूँ, बस बाकी के रन कांग्रेस वाले तुम ले लो, तुम ले लो, लेकिन 300 रन हम बनाएंगे और हमारी सरकार जरूर आएगी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी 8-9 महीना बाकी है और राहुल गांधी जी बहुत जर्मनी में जाकर इंग्लैंड में जाकर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दो उनको, मीडिया भी अच्छा पब्लिसिटी दे रहा है दे दो, लेकिन 2019 में सत्ता हमें दे दो, और इसीलिए ठीक बात है। तो आज यहाँ मुझे बहुत बड़े हमारे बॉबी सिंह जी जो करनाल के कहा है बॉबी सिंह, हाँ बॉबी सिंह के डायरेक्टर भी है और बहुत सालों से 15-20 साल से मेरे संबंधी है, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, जींद में, रोहतक में, भिवानी में, जज्जर में और कई जिलों में, मतलब मेरी पार्टी का वर्ग भी वहाँ चलता है और मैं बहुत सारे जिलों में वहाँ जाकर आया हूँ। वहाँ मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री भी, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, तो इसी तरह यहाँ हरियाणा में करनाल में जो सही स्टोरी है तो उस पर चौहान जी के जीवन पर आधारित ये मतलब हमारे संदीप साहिल जी ने ये किताब लिखी है, तो मैं इसका विमोचन हो गया है और मैं भी इस प्रोग्राम में उपस्थित हूँ, तो फिर एक बार मैं चौहान जी को याद करता हूँ
और संदीप साहिल जी को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे विषय पर अपनी किताब लिखी है। समाज की जो कमियाँ हैं उसको दूर करने की भूमिका आपने यहाँ इसमें रखी है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे तरफ से जो भी सहयोग आपको चाहिए वो सहयोग हम देने के लिए आपको तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं अपनी बात रख चुका हूँ कि सत्यता के मार्ग में जब आदमी बहुत सच्चे मन से, पवित्र मन से किसी चीज को करना चाहे तो पूरा आलम, पूरी दुनिया की ताकत उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। कभी सच पे चलने वाला आदमी नाकामयाब नहीं हुआ, ये इतिहास है। तो हमारे दोस्तों ने ये किताब, जब इसका हिंदी में विमोचन हुआ आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी ने और बहुत सारे मंत्रियों के बीच जब इसका विमोचन हुआ तो वहीं पे फैसला हुआ कि इस पे पिक्चर बननी चाहिए। और हमारे नवचेतना मंच में क्योंकि 90 एनजीओ हैं, उन्होंने सबने इसमें योगदान किया है और ये पिक्चर बन के तैयार हो गई। इसका बजट जो है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास का है। तो सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा जब राइट बंधुओं ने ये सपना देखा कि आसमान पे आदमी उड़ना चाहिए, तब ये भी नहीं पता था कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। आज उनके सपना, क्योंकि निस्वार्थ था, उनको अपने लिए कोई चाह नहीं थी, वो सत्यता के मार्ग पे चले। जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, वो चाहे वो एक्सरे का आविष्कार हो, चाहे अल्ट्रासाउंड का, चाहे फोन का, चाहे हवाई जहाज का, ये तमाम संत हुए हैं। इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, और जब चाहा तो प्रभु ने, दाता ने, खुदा ने उनको तमाम वो रॉ मटेरियल इसी धरती पे प्रोवाइड कराया है और सब चीजें बनके तैयार हुई। ये पिक्चर तो कोई खास बात नहीं है। तो नवचेतना मंच के मेम्बरान ने ये पैसा इकट्ठा किया। उनको ये था कि ये मजदूरों की हक की लड़ाई, ये दलितों की हक की लड़ाई, ये नशे के खिलाफ लड़ाई, ये जो कमजोरों पे अन्याय की लड़ाई, ये किताब कोई कोई पढ़ता है, 1% लोग भी किताब पढ़ के राजी नहीं है। आज हमारा यूथ, हमारा स्टूडेंट पर्दे पे ज्यादा ध्यान देता है, इंटरनेट पे ज्यादा ध्यान देता है, तो क्यों ना पिक्चर बनाई जाए। और उन्होंने निस्वार्थ, कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ये पिक्चर बनकर तैयार हो गई और नवंबर में शायद आपके बीच में होगी। तो ये पैसा सारा सामाजिक पैसा।